चोर हेलो कौन है मैं चोर नहीं हूँ वो उधर है चोर है चोर चोर लगाइए कौन है चोर है चोर अरे क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो सुबह चिल्लाना मेरी नींद खराब हो रही है अच्छा चोरी अब ये तो हम सुबह क्यों चिल्लाए जी हाँ है अब तो तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं चोर ढूंढो मुझे सिर्फ दिन में दिखाई देता है रात को नहीं तुझे दिखाई देता ना जा जाके पकड़ चोर को अच्छा सर की जुए इनसे पकड़े नहीं जाते चोर पकड़ेंगे ये चोर को पकड़ने का कुत्तों का काम होता है अच्छा तुम क्यों नहीं ट्राई करते भाई अच्छा कुत्ता अगर निकम्मा हो तो सुअर को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए भाई मैंने तो कभी सुअर को चोर पकड़ते देखा नहीं हाँ तो कोई बात नहीं रिकॉर्ड बनाने में कौन सी बुराई है और वैसे भी आपने मुझे भौंकते हुए कब देखा है अब भौंकी तो रहे हो तुम अभी तो देखा मैंने तुमको डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ भौंकना बंद करो वरना म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी दफा हो जाओ यहाँ से डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 3 के पेशेंट जो है उसकी धड़कने बंद हो गई है उसका मतलब धड़कने चुरा के ले गया वो लो या नहीं नहीं चोर की वजह से नहीं आपके इलाज की वजह से मरा है वो मरा है मेरा बिना पैसे दिए हुए मर गया मैं अभी उसकी जान लेता हूँ और डॉक्टर साहब वो ऑलरेडी मर चुका है यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मरा है कि जान गई है लेट मी चेक मायसेल्फ कम ऑन नर्स कम ऑन कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है ओ हाँ हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है ना मैं पुलिस को फोन करती हूँ एक्सक्यूज मी पुलिस का नंबर क्या है ये नंबर वैसे तो 100 है लेकिन आप अपने हिसाब से 400-500 डायल करो तू अपनी चाय बना समझा ना हेलो पुलिस स्टेशन हाँ मैं शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से बोल रही हूँ यहाँ पर एक चोरी हो गई है आप कृपया जल्दी आ जाइए प्लीज थैंक यू आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ रहे देखिए मेरी जीभ का सायरन बड़ी तेज बजता है जिनकी जीभ का सायरन धीरे बजता है वो थोड़ी देर से आते हैं बताइए क्या हुआ है लेकिन आप तो पैदल आए हैं जीभ कहाँ है आपकी चोर मैंने पकड़ना कि जीप ने आप कौन है ट्रैक्टर बम्पर मैं बम्पर लॉटरी हूँ ओह बम्पर लॉटरी भाई ध्यान रखना किसी गरीब की निकलना है वरना जान निकल जाएगी उसकी देखिए हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है आप जरा चोर को पकड़िए प्लीज एक बार अपने कपड़े झाड़ के देखो कहीं इधर ना छुपाओ ये आपको मजाक सूझ रहा है मजाक मेरा तो घुटना सूझ रहा है मैंने कल एक साथ 20 चोर पकड़े मुझे थाने तक दौड़ाया यार उन्होंने बहुत ज्यादा मैं थक गया आपने चोर पकड़े तो उन्होंने आपको क्यों दौड़ाया मैं अकेला था वो 20 लोग थे मेजोरिटी की थोड़ी रिस्पेक्ट भी दो देख नहीं एक बताइए आपके यहाँ चोरी की किसने वैसे पता नहीं उसका हुलिया बता सकती हैं आप पता नहीं जब कुछ पता नहीं तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप आपको अपनी डाइट का पता है आप खाती क्या जितनी जगह आपने घेरी हुई है एक छोटे से गांव की पुलिस चौकी खुल सकती है इस पे कोई है इधर जिसने चोर को देखा है हाँ जी मैंने देखा है चोर आपने देखा है चोर हाँ जी मुझे तो तू ही लग रहा चोर इधर आवे आपने देखा चोर को हाँ जी मैंने देखा है चोर को एक काम करो तो मैं तुम्हारे डॉक्टर साहब की बेइज्जती हो रही अंदर चलो अंदर चलो पेशेंट चेक करो देखने में मजा आता है तो आप क्या बता रहे थे मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी चोरी हुई है देखिए चोरी बड़ी हुई कि छोटी हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी आप ज्यादा चौधरी ना बने ये बताइए चोरी हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोरी हुई है देखो चोरी हुई है नहीं हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी आप ज्यादा चौधरी ना बने इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोर आया था वो चोर था या नहीं ये पुलिस डिसाइड करेगी आप ज्यादा बकवास ना करें अब ये बताइए आपका नाम क्या है जब सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं तो ये भी आप ही डिसाइड कर लो ना मेरा नाम क्या है तो मैं दाएं गाल पे डिसाइड करूं कि बाएं गाल पे डिसाइड करूं हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी एमडीएचसी एमडीएचसी क्या होता है मैंने देखा है चोर डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मोहल्ले में चोरी हो रही तू वॉकमैन लगा के गाने सुन रहा है टाइम तो पास करना ही है ना जी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब तो आप डॉक्टर मशहूर हैं हाँ जी तो आइए आपको बदनाम कर देते हैं आज फिर क्यों जी मेरे को क्यों बदनाम करना है डॉक्टर साहब नहीं नहीं तुम्हारा मुंह मुन्नी जैसा है ना मुन्नी बदनाम भाई इट वाज अ बैड जोक
देखो दिखाओ तुम सच्ची में देखना है मैंने देखा हुआ है देखो तुम्हारे मोहल्ले में चोरी हुई है हाँ जी तो किसी पे तो इल्जाम डालेंगे ना हम डालेंगे क्या होता है जिसने चोरी की है उस असली चोर को आप पकड़े है ना है ना भी? ये कौन है इतनी रात को छोटे छोटे बच्चों को जगा मैं थप्पड़ मारूं देखो असली चोर को कहाँ पकड़े मार्केट में असली चीज यहाँ कहाँ रही है एक बात बताओ मुझे हाँ जी इधर आओ जब चोर चोरी करके भागा था हाँ जी तो गया किस किस तरफ था वो इस तरफ गया था हाँ जी डॉक्टर चलिए हम इस तरफ चलते हैं एक मिनट जब चोर इस तरफ गया था तो हम इस तरफ क्यों चलते हैं भाई चोर इस तरफ से भाग गया ना हाँ जी इस तरफ से तो भाग गया फिर इस तरफ से कोई ना कोई पकड़ते उसको चोर बनाते सवाल नहीं पूछने मैंने चलो ओए इधर कौन है पुलिस आ गई पुलिस आ गई ओ पुलिस आ गई ओ पुलिस को छुप के इधर बैठा था तेरा क्या क्या चोरी करते हो तुम क्या क्या चोरी करते हो तुम सर मैं चोर नहीं हूँ इधर मैं चाय बनाता हूँ मेरी चाय की दुकान है ओहो पार्ट टाइम चाय भी बनाता है चोर मैं चाय बनाता हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की पक्का हाँ जी सर मेरा सामान चोरी हो गया यहाँ से क्या चोरी हुआ तुम्हारा डॉक्टर साहब मैंने बड़ी मेहनत के साथ गरम गरम मठियाँ बनाई थी वो चोरी हो गई तो मैं डिसाइड करो इंस्पेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि मठियाँ चोरी हुई हैं कि बालूशाहियाँ चोरी हुई हैं इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब आ जाओ उनकी बात सुन लेते इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़िए पकड़ा ही नहीं है हमको यार छोड़िए छोड़िए क्या लगा रखा है इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़िए मेरा दांत चोरी हो गया है पहले वो ढूंढ कर दीजिए तो ये मुंह में क्या सीढ़ी डाली हुई है ये क्या ये दांत इधर तुम्हारे एक मिनट हाँ जी जब चोरी हो रही थी जी तुम क्या कर रहे थे सर देखिए रात का वक्त था मैं आराम से सो रहा था मैं खराब आदमी चोर उचक्के बेचारे रात रात भर जाके चोरी कर रहे और तुम सो रहे थे जब चोरी हो रही थी तुम क्या कर रहे थे ये रात का वक्त था मैं सो तो नहीं रहा था मैं ऑपरेशन कर रहा था ऑपरेशन कर रहे थे हाँ जी इधर मुंह कर जरा डॉक्टर हो के रात रात भर जागते तुम हैं सोमालिया है तुम्हें सोमालिया नहीं इंसोम्निया होता है जब सारा पता तो फिर मानते क्यों नहीं सोते क्यों नहीं अच्छा एक मिनट अगला थप्पड़ इधर से मारे बार बार मेरे को इधर मार के एक ही तरफ चक्कर आ रहे हैं बुड्ढी जी आप क्या कर रही थी जब चोरी हो रही थी मैं इस आंख से सो रही थी और इस आंख से जाग रही थी तो इन दोनों आंखों के बीच कहीं आपने चोर को देखा है भागते हुए नहीं मैं तो अपने कप्पू का इंतजार कर रही थी शाम से वो नहीं लौटा है बस बस कप्पू चोर है फिर आपने इधर मारा मैंने कहा इधर मारना था मैंने कहा ना कि मैं डिसाइड करूंगा चोर कौन है आप ज्यादा जज ना बने सर कप्पू ही चोर है ओए इधर है दान पात्र जैसे मुंह वाले है तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि चोर आपके बीच में से कोई है इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब एक मिनट इंस्पेक्टर साहब इधर इंस्पेक्टर साहब मेरा दूल्हा भाग गया ओह क्यों भाग गया भाई पता नहीं वो मेरे मुंह दिखाई की रस्म थी देखते भाग गया ये मुंह दिखाई थी कि मुंह डराई थी ये कहां भाग गया आपका दूल्हा देखिए ये तो मुझे पता नहीं दिखने में कैसा था दूल्हा आपका देखिए शक्ल तो देखी नहीं लेकिन मुंह पे थोड़े फूल फूल थे ओह अच्छा ये काजू आपने बाहर की रखे खाते क्यों नहीं इनको तो चेहरे पे फूल फूल थे जी मतलब दूल्हे का मुंह सेरे जैसा था नहीं सर मुंह पे सेहरा लगा हुआ होगा तेरा जूते जैसा मुंह तेरे को कैसे पता सेहरे वाला मुंह कैसा होता है वो तो है देखो तुमने दूल्हे की शक्ल नहीं देखी ना उसको भागते हुए देखा पता कैसे चलेगा दूल्हा कौन है ये लीजिए 10,000 रुपए पता कैसे नहीं चलेगा ऐसे छोड़ने को भाग सकता है क्यों भागा था भाई शादी छोड़ के क्यों भागा था शादी छोड़ के क्यों भागा था इधर उधर उधर चल उधर चल उधर सर शादी छोड़ के क्यों भागा था इधर चल सर मेरी शादी छोड़ के क्यों भागा था और मैं तो सर वहां चाय बनाता हूँ मेरी चाय की टपरी है मैं कहां से इसका दूल्हा हो सकता हूँ मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है ओह ओह क्यों ऑलरेडी शादी हुई है हां पहली बीवी कहां है तुम्हारी गांव में
अच्छा तो पहली के होते हुए दूसरी शादी कर रही है, तो और भी बड़ी वारदात है। इसे शादी कर, चल शादी कर, शादी कर से। मेरी सर बात सुनिए, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं, फिर क्या होगी? तू एक बात बता, शादी करनी के गोली खानी है? शादी करेगा ऑफ कोर्स, गोली क्यों खाएगा? गोली मार दो यार, मारो गोली, मारो गोली मुझे, मारो गोली, मारो गोली। नीचे तुम्हारे एक मांगलिक तुम कैसे हो सकती हो? मंगल पे तो अभी तक पानी नहीं, तुम वहाँ से कैसे बिलोंग कर सकती हो? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल मुझे मंगल लगा हुआ है। अच्छा आपको मंगल लगा है, मुझे हेपेटाइटिस बी लगा हुआ है। हाँ जी, और मुझे रोमिंग लगा हुआ है। अभी तुझे एक और चीज लगाता हूँ। ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे साथ। जो साथ खड़ा होता है उसके लगता ही लगता है मैंने देख लिया है, मैं इसीलिए इधर आगे खड़ा हो गया। बकवास कर रहा है, दूल्हे को छोड़ के भागने वाला उठाई गिरा। सर जो उठाते हैं उसको उठाई गिरा बोलते हैं, जो बगाते हैं उसको भगौड़ा बोलते हैं। यार इधर हो जाओ यार, मैं इधर जवाब दूंगा। सारी तुझे गालियां पता तेरे को सारी, इसका मतलब तू करता रहता है ये सब काम, क्यों भागा, क्यों था तू इधर? नशे में धुत रहने वाला जेब कतरा। सर क्या सबूत है आपके पास कि मैं उसका दूल्हा हूं? मेरे पास सबूत है। आवाज तुम्हारी निकल रही। अरे ये देखिए, तनु वेट्स मनु। मेरी बात सुनो एक, ये जो तुम्हारा ठुमका निकलता है ये चाबी दी हुई है, चाबी दी हुई है। तुम चुप करो, ये देखो ये मेरे दूल्हा तनु वेट्स मनु। तुम अपने सेल थोड़ी देर के लिए निकाल क्यों नहीं देती हर बात पे? नहीं क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है तनु वेट्स मनु। हाँ ये मनु देखो, मेरा नाम चंदू है। चंदू? हाँ चंदू। मनु तो मिल रहा है ना, तो जितना मिल रहा है ना उतनी शादी कर, चल शादी कर। अरे सर मुझे से डर लगता, मुझे इसका मुंह से डर लग रहा है। क्या तकलीफ है मेरे मुंह में? मेरे मुंह के पता कितने फायदे हैं? हाय मैं आपको बता दूं, मेरे मुंह के तो इतने फायदे हैं, मैं तो बोतल का ढक्कन भी मुंह से खोल लेती हूं, मेरे दरवाजे भी दांत मार के कचल मैं का निकाल लेती हूं। बहुत फायदे मेरे। उसका क्या फायदा है वैसे? अरे सर मैं का बेच के पैसे मिलते ना, मेरे पापा का बाड़ी है ना। और छोड़ो मैं तो गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। अच्छा? अरे गाना ना इन दांतों में से फिल्टर होके बाहर आता है। चले म्यूजिक दे। होटो भी ऐसी बात में दबाकी चली आई, खुल जाएगी जो बात दुहाई रे दुहाई। ऑटो पे ऐसी बात में दबाकी चली आई, खुल जाएगी जो भी बात दुहाई रे दुहाई। ये लो। ओए तुम रेडियो की बेटी हो? नहीं नहीं, थैंक यू। बड़ा अच्छा कर रही थी आप, 10 रुपए का और कर दीजिए। साले इधर मूवी लेने आया। बात सुनिए, मैंने तेरे थप्पड़ मारा, 10 रुपए का और कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्या नहीं शादी करनी? भाई लड़की में कमी क्या है जो शादी नहीं करनी? कितना अच्छा करती है वो। तो खुद कर लो, आप कर लो शादी, करो इसके साथ शादी। देखो जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं उधर चाय बनाता हूँ, ये डॉक्टर बहुत अमीर है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगी आप। तेरे को क्या पता खुश रहेगी कि नहीं रहेगी वो? नहीं मेरा जी पेंचर का काम है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, डॉक्टर पेंचर वाला। इतना इतना आपके मुंह में थूक है, आप कहाँ से गरीब है? तो तेरे को दे दो थोड़ा सा जायदाद अपनी। देखिए डॉक्टर साहब, आप गरीब आदमी हो उसकी चिंता ना करें आप, माशाल्लाह जितने लंबे दांत हैं लड़की के, गरीबी तो आपकी 2 दिन में काट देगी। नहीं नहीं लेकिन उसके बाद घर की जो रजाइयां फाड़ेगी उसका क्या करूं मैं? तो मेरी गलती है वो, मेरी गलती है रजाई है। अरे नायलॉन का कंबल यूज कर लो तुम, और वैसे भी शादी करके तुम गरीब नहीं रहोगे, मेरे पापा 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। एक मिनट, करोड़ों की बातें हो रही भी, बुजुर्ग निकले यहाँ से, चलो हाथा खा सकता है, करोड़ों की बातें आपने पहले बताया नहीं, आपके पिता के आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली, तो आपका दूल्हा मैं ही हूँ, ये देखो मेरा शेर। नहीं नहीं जी, मेरा शेर रेडी है। नहीं नहीं तैयार हूँ। देखो जी शेर है मैंने पहना हुआ, देखो जी आप फेरे लीजिए जी, मेरे साथ आइए जल्दी 1 मिनट। मैंने बाल पकड़ के मैं आपका दूल्हा हूँ जी, मैं मरते दम तक आपका साथ रहूंगा, बल्कि आपको पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। ओए मेरी बात सुनिए, आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर हो जाइए।
एक मिनट की मेरे फेरे होंगे जी इसके। तेरी वजह से बच्चे की पिटाई हो रही है। वेट, अब मैं सर उधर जा रहा हूँ, कहाँ है मुझे उधर कोई। देखो तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं, मैंने पहली बार तुम्हारे दांत देखे थे, मेरी मसूड़ों में खुजली होने लगी थी। चलो हट जाओ पीछे। नहीं आपकी बेटी क्या बराबर की है, वो क्या कर रहे हैं, चलिए आ जाओ। अरे मेरी बेटी तो खुद अपने बराबर की नहीं है, जब वो अपने आप को मापती है 2 इंच छोटी हो जाती है, मेरी बेटी के बराबर की, तेरे को बड़ा पता। एक मिनट, ऐसे सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरा स्वयंवर हो रहा है ना, उसके लिए जो आप तीनों में से मेरे को खुश करेगा वो मेरा पति। मैं खुश करूंगा, मैं खुश कर, ओए मैंने डंडा मारना है तेरे, तो ऐसे खुश हो जाएगा वो। एक मेरी बात सुनिए, आप डंडे के साथ काम मत लीजिए। वो खुश होना हो तेरे, मैंने सुझा देना कुछ ना कुछ। मैं सुनाऊंगा, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको खुश करने के लिए। इशाद, शेर नहीं सुना रहा मैं। एक बार ना एक हाथी को देखिए, ये काम सिद्धू साहब का है, आप मत करें। भाई चुटकुला पूरा हो गया ना, हाथी को हो गया। देखिए राइट लेफ्ट तो आपने बड़ी बार थप्पड़ खाया, कभी फ्रंट पे खाया? पूरा चुटकुला सुन मेरा। हाथी को एक बार रिश्ता आता है चींटी का, तो चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? क्यों क्यों? कहते लड़के के दांत बाहर है। फिर आगे आगे तुम्हें हंसी नहीं आई? मैंने तो ये जब चुटकुला सुना था मैं हंस हंस के मर गया था, मेरे को बहुत हंसी आई थी। आपने शायद सुना नहीं, कानून के चुटकुले बहुत लंबे होते हैं। कानून के तो हाथ लंबे होते हैं जी। मेरे को पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है डायरेक्टर मेरी बेइज्जती हुई है। और कुछ सुनाओ कुछ। मैं सुनाता हूँ जी। एक बार ना एक आदमी होता तो कहता मैं मच्छी नहीं खाता, मच्छी में कांटे होते हैं। तो दूसरा आदमी कहता तो चप्पल पहन के खा लिया कर। बिल्कुल मुंह जैसा चुटकुला सुनाया इन्होंने। मैं सुनाता हूँ, मेरी बारी है। मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी, मैंने पहली बारी सुना था। अभी फिर आएगी तेरे इधर। लो जी एक बार हाथी होता है। लो जी क्या होता है? लो जी, लो जी एक बार चींटी होती है। हाथी होता था पहले, अभी कह रहा चींटी होती है, तो अपनी बात पे यकीन नहीं है यार। मैंने चुटकुला थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक बार एक चींटी होती है, उसको मॉडिफाई तेरे को किसने सिखाया? अभी तू तो चाय बेचता है, तेरे को मॉडिफाई किसने सिखाया? ये मॉडिफाई तेरे को आया कैसे? चुटकुला सुना दोबारा। इधर आ जाइए। ये क्या चुटकी, ये चुटकुले की किताब है? इधर आएगी, इसमें से पढ़ के सुनाना तूने। यार सुनाने दो, आपने खुश होना कि नहीं होना? हट जा, मेरा पति है ना। हट जा, शाबाश, आओ आओ आओ, करो 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 करो, मजा आ रहा है। सीधी कहीं भी नहीं जा सकती, हर जगह ऐसे ऐसे करके जा। लो जी एक बार जी, मैं कूनी मारनी तेरे। मैं एक बार एक चींटी होती है, दो बार क्यों नहीं होती जी? मार दो गोली इसको। मारूं मेरी आगे डंडी कौन तोड़ के ले गया? ये खा गई होंगी। अच्छा एक बार एक चींटी होती है, उसको हाथी का रिश्ता आता है, लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? मैंने कुछ पूछता। मैं क्यों पूछता? कहते हैं लड़के के दांत बाहर हैं। तो मैंने जो पहले सुनाया था वो गलत था? वो नहीं, मेरी वाली चींटी लाल थी ना। तेरी वाली चींटी लाल थी? हाँ जी। तो तेरी लाल करता हूँ मैं। तुम बकवास कर रहा है, तेरे को मैंने सबसे पहले खुश किया 2 करोड़। आप सच बताइए किससे खुश हुई है? एक दांत का 1 करोड़, 2 करोड़। मच्छी वाला चुटकुला बेस्ट था कि नहीं, आप खुद बताइए। आप अपने जिसको भी मानती है उसको बताइए सोच के। अच्छा मुझे 10,000 रुपए दे दे, कोई बात नहीं। देखो भाई ऐसे चुटकुले जोक वो कॉमेडी नहीं करनी, मेरे को गाना सुनाओ। किसको गाना आता है? तो सिंगर, मेरे मुंह पर फेंक दिया। सिंगर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर, जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या आंखें भिजा दूं, लमे जगह लमे लारे हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। मैं शम्मी कपूर हूँ, मेरी नूतन बन जा, हम दोनों कश्मीर की कली। बड़ी मेहरबानी हुजूर जिंदगी में। ओ देवानंद
किधर गई उधर देखा किधर गया ए किधर लेके भाग गया कहीं वो हमें दुलिया तो नहीं बना गया और दुलिया नहीं उसको हम मुझे पता क्या कहते हैं उसको हाँ अब क्या करें आप इधर आ देख किधर है वो चल इसको उधर देख मैं देखता हूँ आइए सर जल्दी आइए सर नानी 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 टप्पू 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 अरे वाह अमर अकबर एंथनी तीनों आ गए अरे नानी अमर अकबर एंथनी नहीं तूने मेरे को फोन किया था ना पुलिस को ले गया तो पुलिस छोड़ मैं सीआईडी ले गया हूँ सोनी पर पुलिस आती भी नहीं है सिर्फ सीआईडी आते हैं लेकिन वो लोग तो 10 बजे आते हैं ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए देखिए आपके यहाँ चोरी 9 बजे हुई तो 10 बजे तक क्यों इंतजार करें ये बताओ चोर कहाँ भागा बताओ एक मिनट कितना फ्लैट पूछ रहे हो कपिल तो स्टाइल में सीआईडी वाले स्टाइल में हाँ तो बताओ नानी आपने उसे भागते हुए देखा किस तरफ भागते हाँ, थे वो उस तरफ भागा और वो बहरा भी था ये आपको कैसे पता चला मैं चिल्ला रही थी चोर 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 पर वो सुना नहीं भागता गया नानी ऐसा हो सकता है कि उसका नाम चोर नहीं होगा कुछ और होगा अब रमेश को सुरेश करके बुलाओगे तो रुकेगा क्या वो कप्पू इनके सवालों का जवाब तू दे दे सारे जवाब मैंने इन्हें ही दे दिए तो भगवान को क्या जवाब दूंगी मैं जल्दी हूं चोर पकड़ा गया सीआईडी ने चोर पकड़ लिया ओ चोर पकड़ लिया इसका मतलब कप्पू चोर है डर साहब का दिमाग खराब है सीआईडी वालों को मैं बुला के लाया उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं है आपके बुलाने पर तो ऑटो रिक्शा नहीं आती सीआईडी वाले कहां से आएंगे सही बात यही रात भर गायब रहे हैं मुझे लगता है यही चोर है नहीं डैडी हाँ। कप्पू अंकल चोर नहीं है अच्छा मैं बताता हूँ बताओ बताओ बेटा चोर कौन है नहीं इस तरह से बात नहीं करते बच्चों के साथ बेटा बताओ शेमी बात किया कौन चोर है चोर इस मोहल्ले का नहीं था बाहर से आया था लगता है बच्चा सच बोल रहा है जी सर मुझे भी लगता है कि बच्चा सच बोल रहा है दया इसका मतलब समझ गए हाँ सर इसका मतलब है ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है वाह भाई वाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है आप नहीं सोचते ना तभी तो सीआईडी वो है आप नहीं है बता बेटा खजूर कौन है वो अंकल कैसे बताऊं वो यार कैसे एक मिनट तुम पेंटिंग करते हो चित्र बना सकते हो चित्र हाँ बना सकता हूँ तो फिर बस बनाओ फिर नहीं बनाओ बेटा सेम ही बोला आपने भी रुको बना बेटे चित्र बना दे फटाफट अरे वाह इसको तो मैं पहचानता हूँ यस ये तो पिछले तालाब में रहती है मैं तो कहता हूँ इनका पूरा गैंग है एक काम करे तू कांटा लेके पहुंच मैं रोटियां लेके आता हूँ चल वहां पे एक मिनट बेटा ये आपने क्या बना दिया बेटा आपको तो चोर की शक्ल बनानी थी ना अंकल मुझे मछली का चित्र बनाना आता है अच्छा ठीक है बेटा कभी भूखा नहीं मरेगा तू तो सर अब इस चोर को ढूंढेंगे कैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ रुक जाइए मोहल्ले का चोर अरे मोहल्ले का चोर यहाँ है इसको तो मैं पहचान गया इसके इंजेक्शन लगाया मैंने यहाँ पे ये तो मेरा पेशेंट है हाँ तो आपके ही डर से रात को भाग गया था ये क्यों भाई छींक का ऑपरेशन नहीं कराना तुझे आपका दिमाग खराब है छींक का ऑपरेशन कौन करता है देखो फिर भी मैं कर रहा था आप ऐसे काम करो तो मरीज तो भागेंगे ही भागता मैं चल अंदर चला ऑपरेशन कर दो आई लव यू सर आपकी टीम यहाँ पे आई गई है तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते एक बार सीआईडी टीम का जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए सर आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए सर आइए कपिल जी सर चारों ओर शक के बादल छाए जो जुर्म करते हैं उनके चेहरे सक पकाए हैं
कुछ तो गड़बड़ होगी गुरु जो तेरे घर में सीआईडी वाले आए। अरे वाह सर, आप सबका हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमें बड़ी खुशी है यहाँ हम आ गए। वैसे स्वागत तो हम करेंगे आपका, क्योंकि हम सोनी चैनल पर पिछले 18 साल से आ रहे हैं। तुम तो आज आ गए हो। नहीं ये तो बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात कहूं? जी सर। कपिल बड़े हैंडसम लगते हो। क्या बात है सर। अच्छा ये शुक्र है एसीपी साहब ने मुझे हैंडसम बोल दिया, नहीं तो ये उंगली का इशारा करके बोलते ना ये खूनी है, लोग मान भी लेंगे। तो सच्ची में पुलिस मानते ना इनको। वैसे तो सीआईडी की टीम ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने हमारे शो पर बनाया। आपने अक्सर इनको अपने शो में देखा होगा, सिर्फ खड़े देखा होगा, कोई बैठे नहीं देखा। आप पहली बार बैठे हुए हैं। सर आप कभी अपने शो में बैठते क्यों नहीं? आपको डर है कि आपकी क्रीज ना खराब हो जाए? Why? वैसे कपिल तुमने देखा होगा हमारे ब्यूरो में जी सिर्फ टेबल्स है, कुर्सियां नहीं। ये लोग 18-19 साल से एक शो कर रहे हैं, हमेशा शक करते हैं, कातिल ढूंढते हैं। मुझे लगता है ऐसे पता नहीं क्यों सर आप जब घर पे भी जाते होंगे ना तो अपने सर्वेंट को बोलते होंगे रामू काका दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। और रामू काका बोलता होगा नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दाल में काला नहीं, आज दाल ही काली बनाई है। सर ऐसा होता है कभी? आप मतलब ऐसी नेचर में तो नहीं आपके आ गया कभी? एक्चुअली थोड़ा मैनरिज्म तो वैसे ही है जी। क्योंकि 18 साल से आप कुछ कर रहे हैं तो आपका जैसा एक स्टाइल एक पैटर्न हो गया है, तो वैसे ही हम सीआईडी में जितने हमारे कॉप्स हैं हर किसी का खड़ा रहने का या बात करने का या किसी को देखने का एक अलग स्टाइल है। तो अब मेरे अंदाज़े घर पे जाने के बाद भी वो अगर हम नॉर्मली भी देख रहे हैं सर्वेंट को ऐसा लगता है कि शक की नज़र से देख रहे हैं। अब हाँ अब आंखें ऐसी हो गई हैं क्या करें। तो आपके घर वाले आपसे क्या पूछते हैं जब आप सुबह जाते हैं? ये पूछते हैं कि शूटिंग पे जा रहे हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? मैंने देखा अभी ना जब सर आ रहे थे ना तो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसका वैसे सलूट निकल गया। ये भी कहते हैं हाँ। सर एक अफवाह सुनी है मैंने, पता नहीं इसमें कितना सच है, पर आप हमें बताएंगे ये सच है कि लोग कहते हैं कि टीवी का आविष्कार बाद में हुआ, आपका शो पहले आया। भारत में टोटल 3 करोड़ केस पेंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है 25-30 लाख तो आप ही ने सॉल्व करके दिए होंगे। तो सर पिछले 20 साल से आप केस सॉल्व कर रहे हैं, कोई आइडिया है आपने कितने केस सॉल्व कर लिए होंगे? हम काम में इतने व्यस्त हैं कि गिनने का टाइम नहीं मिलता। गिल्लो जी जितने एपिसोड हुए हैं उतने, हर एपिसोड में एक केस सॉल्व होता है मिनिमम। कमाल की सीआईडी अभी 1 घंटे में सॉल्व। 10 बजे आए, 11 बजे मुजरिम को अंदर किया, निकल भी लिए। सीआईडी में बड़ा सीरियस रहते हैं, कभी स्माइल नहीं देखी सर आपके चेहरे पे। अरे ये तो खाली टीवी पर देखते हो, वैसे अब देख रहे हो ना हम लोग कैसे हंसते हैं। अभी तो बिल्कुल स्माइल, उसमें तो बड़ी हंसी मजाक तो होती ही रहती है, और फिर जब लाश पड़ी हो तो आप कैसे हंस सकते हैं? हमारे सिद्धू बाजी हैं, हंस सकते हैं। चलो तो लाश के ऊपर शेर भी बोल दिया। नहीं नहीं पाजी ने तो, पाजी ने कहा वाह कमाल बहुत अच्छा लग रहा है मर के। अच्छा एक दया है, इनको किसी पे रहम नहीं आता, चाहे कोई दरवाजा हो चाहे आदमी हो, ये तोड़ते रहते हैं। आपको रहम किसी पे आता नहीं, आपका नाम दया रखा किसने? अच्छे लोगों पे दया करने के लिए बुरे लोगों पे दया नहीं करता मैं। वेरी नाइस। अच्छा आप इतनी मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, मुजरिम को पकड़ते हैं, 5-7 थप्पड़ मार के उसको जुर्म कबूल भी करवा लेते हैं, फिर 5-6 एपिसोड बाद आपको वही आदमी दूसरा क्राइम करता हो दिखता, आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, बहुत खींच के मारते हैं। एक एपिसोड में बहुत पहले शिवाजी साहब की वो अपना ICP साहब की पत्नी थी, शुरू में ऐसा था एक ट्रैक था, और 30-40 एपिसोड के बाद किसी और की पत्नी बनी। बोले तुम फ्रेड, हमारी फ्रेडी की तो 3-4 शादियां हो चुकी है। कप्पू नानी गेस्ट इधर है। पता है वैसे भी बड़ी गाड़ी को यूटर्न लेने के लिए टाइम लगता है। और तो और पिछले 18 सालों से ये लोग इधर उधर नहीं हुए, तो मैं सोची मैं ही इधर उधर हो जाती हूँ। नानी मैं बैठा हुआ हूँ नीचे। अच्छा बोलता क्यों नहीं है? एक बात तो है पाजी, ये 18 सालों से जरा भी इधर उधर नहीं हुए।
अलग ही आप देख लो, 10 बजे शो आता है, 11 बजे केस सॉल्व कर दिया। सर आप इतनी जल्दी केस क्यों सॉल्व करते हो? आपको अपना भी रिपीट टेलीकास्ट देखना होता है ऐसे क्या पता रिपीट टेलीकास्ट देखते ही हो कि कहीं रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं मुजरिम भाग गया। वैसे सच कहूं आप लोगों को सम्मानित करना चाहती हूं मैं, क्योंकि पिछले 18 सालों से केस सॉल्व कर करके, लोगों की समाज सेवा कर करके आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस बना लिए, तो सम्मान तो बनता है ना। तो आइए मैं सम्मानित करती हूं, आइए ना। ये लो। नानी दया को पेटीकोट क्यों दे रही है? अच्छा, ये पेटीकोट है? तू मेरी किधर है? पेटीकोट। ठीक है ठीक है, अच्छा वह बता दिया। और पेटीकोट भी कौन से रंग का? थैंक यू मैम, थैंक यू। खुशबू है ना उसमें? ठीक है, मैनेज कर लूंगा, छोड़। अरे कमाल है, अजीब आदमी है, खड़ा जमीन पे, मुंह उसका छट्टे वाले पे है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना अपना देखो। अरे हो गया, इधर आइए। एक और का है। चौथी किसके लिए? एक बज गया, इसका क्या करूं? सुनिए एसीपी साहब, हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये मुझे पहना कर बधाई दे दीजिए ना। पहना दो। अरे कैसे पहनाएं आप? हथकड़ी पहना दे, ये भी पहना दो। पहना दो ना। क्या पहना दो? ये पहना दो। इनका सत्कार होगा शायद। तालियां बजाना। क्या कर रहे हैं आप? दास फोटो खींच। मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। चलो चलो चलो, दोनों मिलकर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है करते हैं। अरे नानी जी, आप तो कपिल की नानी है। वो तो इसके लिए तो मैंने शादी की है, इसकी बड़ी जिद थी कि इसका नाना एसीपी हो। और वैसे भी आप घबराइए मत, मेरा वाला जो है ना वो पता नहीं किधर है, तो या तो आप उसे ढूंढ लाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। एक घंटे में आ रही है नानी, क्या कर रही है, कर रही है? एक घंटे में क्या, इतनी भी बुरी नहीं है। सियाड़ी, डोंट फियर सियाड़ी इज हियर। आई हैव माइसेल्फ बोर्न लेटर इन। हेलो सर। वैसे आपका और मेरा पॉपुलैरिटी एकदम सेम है। क्या पॉपुलैरिटी सेम है? वो सीआईडी वाले, हमारा 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का काम करता है? मतलब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे होने वाली थी? भाई दो नंबर का काम बोले, वही साल 2 नंबर का काम नहीं है। देखे मेरा ये मोहन लेटरिन सेंटर। सर आपको भी जरूरत पड़ेगा सर। ओके बाद में था। देखे सर, लोग आप लोग इतने इतना केस सॉल्व किया है, बहुत सारा केस सॉल्व किया, लेकिन कभी आपका पेट का केस खराब हो जाए आप लोग इधर आ सकते हैं सर। मैं आपका पूरा टीम को ग्रुप डिस्काउंट दे दूंगा। वो क्या कि हर जगह आप लोग साथ में चलते हैं। अरे लेकिन इनको मैं तो लेके आना, ये हर दरवाजे को तोड़ देता है। और अपना धंधा ही पर्दे का है। लगता है आपने अपना दिमाग भी फ्लश कर दिया। आपने क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो? निकलो यहाँ से। फालतू का सवाल पूछ रहे हैं? मैं उनको गिफ्ट देने आया हूँ। गिफ्ट मैं दे चुकी हूँ। गिफ्ट तुमने क्या दिया? शॉल दिया। ऐसी गर्मी में एक आदमी शॉल ओढ़ेगा तो सन्नी लियोनी से ज्यादा हॉट हो जाएगा, आदमी नहीं हीटर बन जाएगा। मैं इनके लिए स्पेशल लुंगी लेके आया हूँ। लुंगी पहने से बहुत आसान हो जाता है। तो लुंगी उतारने बड़ा इजी होता है, इसमें क्या है, इसमें सबको पता है। वैसे उतारने से याद आया, मैं गैस पर दूध रखा ही। अब तो भूल गया होगा। नहीं मैंने चूल्हा जलाया ही नहीं, चला कर आती हूँ। ये लेके जाओ थाली। एसीपी सर,
आपके लिए स्पेशल लुंगी, ये पहनेगा तो आपको बहुत ठंडक का एहसास हो जाएगा। क्यों, ये लुंगी में बर्फ पड़ती है? ये लुंगी है, कश्मीर नहीं है, अंडरस्टैंड? बर्फ नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन कभी एकदम रॉन्गली ऐसा खुल गया ना तो मार पड़ सकता है। लेकिन ये लुंगी का बहुत फायदा है सर, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत सारा फायदा है। अगर समझो कि कभी आपको प्लेन से कूदना पड़े, आप इसको एकदम पैराशूट जैसे यूज कर सकते, बड़ा इज्जत का फालूदा हो जाएगा लेकिन जान बच जाएगी। ये लुंगी पहनने से आप योगा भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शीर्षासन मत करना, सीआईडी का सारा सस्पेंस खुल जाएगा। क्या आप मोहन बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, हर चीज का प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, लेकिन सोच समझ के यूज करना चाहिए। वैसे मेरे को थोड़ा यूज करने का टाइम हो गया, आप ये लुंगी। थैंक यू, आइए सर, आप बैठिए। सॉरी, ये सोसाइटी पागलों की, सर क्या करें अभी, कैसे लोग हैं यहाँ पर सर, ऐसे इतने कम में इतने यही मिलते थे सर। फेंक दीजिए सर, ये भी कहीं से मांग के लाइए। अभी मेरे को केस सॉल्व करना आ गया काफी सारा। अच्छा? जब कोई आदमी मरता है तो उसके घर की दीवारों पे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, उसके उसके बाल चेक करते हैं, नाखून चेक करते हैं, ये सब हमें पता चल गया है। क्रिमिनल को क्यों नहीं पता चलता सर, वो फिर सबूत छोड़ जाते हैं आपके लिए। इसीलिए कहते हैं हर मुजरिम कोई ना कोई गलती करता ही है। करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। क्या बात है, अच्छी बात है, सबूत छोड़ना भी चाहिए, नहीं तो एपिसोड कैसे बनेगा। सर एक चीज और पूछनी है, 20 साल से हमने आप में कोई बदलाव नहीं देखा सर, आप इतने फिट कैसे रहते हैं? क्या होता है सर, ऐसा है कि सुबह 9 बजे जब सेट पे पहुंचते हैं जी, तो कॉस्ट्यूम वाले एक रनिंग शूज दे देते हैं, बोले स्पोर्ट शूज, कह सर ये आपका शू है, इसको पहन लीजिए, ये रहा चोर, ये रही रोड, और कैमरा गाड़ी पे, भागो। मुझे लगता है ऐसे कि आपने इतने केस सॉल्व किए, इतनी अच्छी रेपुटेशन है आपकी सोसाइटी में, गवर्नमेंट को वैसे आपको एक एक गन दे देनी चाहिए। सर आप इतने सालों से एसीपी, आपकी तरक्की क्यों नहीं होती सर? इतने केस सॉल्व कर दिए, लाखों केस। तरक्की होगी तो ऑफिस में बिठा देंगे। अच्छा, फिर फील्ड में नहीं जा सकते। हाँ। ये अच्छा, राइट क्वेश्चन। हाँ। सर ये सच है आप सेट पे लस्सी बना के भी लाते हैं सबको? हाँ, मुझे शौक है। दही की लस्सी? दही की लस्सी, और बढ़िया बनाता हूँ जैसे पूछ लो। अच्छा, अभी आ जाओ सेट पर तो जरूर। बहुत बढ़िया बनाते हैं सर, ऐसा होता है उसमें वो डिपेंड करता है कि कितनी देर का ब्रेक चाहिए। ओके, तो उतनी चीनी डालते हैं ये, क्योंकि वो 4 चम्मच डाला तो 15 मिनट का ब्रेक हुआ। अच्छा, और किसी दिन सोने का मन होता है तो 10-12 चम्मच डाल देते हैं, एक डायरेक्टर को भी पिला देते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है तोड़फोड़ करनी बुरी बात है, लेकिन दया बड़े होकर भी तोड़फोड़ करते रहते हो, बड़ी बात है, लोगों को पसंद भी आती है। इतने दरवाजे तोड़ते हैं भाई, आपको दरवाजे से क्या प्रॉब्लम है? बचपन में उंगली आ गई थी आपकी, आपको किस चीज का गुस्सा है? पता नहीं, दरवाजा खूबसूरत दरवाजा है, गंदा दरवाजा है, एकदम अगली सा है, तोड़ने का दिल करता है, अब क्या करूं? तो आप दरवाजा तोड़ देते हैं? तोड़ देता हूं। तो जब किसी के घर जाते हैं आप बेल बजाते हैं, थोड़ी देर नहीं खोले तो आप तोड़ देते हैं? नहीं नहीं, बेल बजाने का मौका ही नहीं मिलता, पहले खोल के रख देते हैं। सर जब सीआईडी शुरू हुआ था आपकी शादी हो गई थी? नहीं। तो घर वालों ने क्या बोला था, लड़का एक्टर है कि सीआईडी में? तो जब आप भाभी जी से पहली बार मिले थे, जब उनसे मिलने गए तो दरवाजा खटखटाया क्या, तोड़ के गए थे? तो वेट कर रहे थे, खटखटाता भी है ना, तो अपने वो दरवाजा, अपने प्रोडक्शन वाले जरा ध्यान रखें, जब ये जाएंगे तो इनका इनके साथ साथ ही जाएं। अच्छा सर, आपने इतने सालों से एक सीआईडी का रोल कर रहे हैं, हमेशा क्रिमिनल के पीछे भागना, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए, थोड़ा काम आपको आज बदल के देते हैं सर हम थोड़ा सा। क्यों, क्या? चंदू जी इधर आ, तुझे मशहूर करता हूं। चंदू, तू कहता था ना मेरे को मेरी दुकान फेमस करनी है। हाँ जी बिल्कुल, देखा सीआईडी के स्टार आए। क्या बात है सर, क्या हाल है सर, सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू, दुकान फेमस करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा बड़ा इच्छा है मेरे अंदर कि मैं भी कभी कस्टमर बनूं, मैं हमेशा चाय बेचता रहा हूं, लोगों को बेचता रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं भी किसी को जाकर बोलूं कि चाय देना है ना, तो आप प्लीज कर सकते हैं थोड़ा सा? अच्छा देख लो, चाय बेचता, मुंह भी केतली जैसा है इसका, ऐसा लगता है बोलता है तो कुछ ना कुछ निकलेगा बीच में से। आई आई सर, ओ लेदर की जैकेट पहन के चाय। ओके, भाई साहब दरवाजा है इधर? हाँ जी, नहीं दरवाजा नहीं, इधर सीधा ही एंट्री। ओके ओके, नहीं तो दया को बुलाना पड़ता जी।
एक कप चाय देना भैया। ये चाय क्यों मांग रहा है? ये मट्ठी तो मांग सकता था, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मट्ठी दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अभी चाय मांग रहा था, अभी मट्ठी। चलो कुछ भी दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए बस। इतनी जल्दी में क्यों है? ये लो। कहीं ये किसी का खून करने तो नहीं जा रहा है? ओ भाई साहब, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए 5 रुपए, रहने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? खून? अच्छा, तो ये किसी का खून करने नहीं जा रहा है, बल्कि खून करके आ रहा है चाय पीने। और सर, 5 रुपए के लिए कौन किसी का खून कर सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं ये? अबे तेरी शक्ल देख के लगता है तू 2 रुपए के लिए छुरी मार देगा, 5 रुपए तो एफडी में रख देगा तू। सर प्लीज, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए प्लीज। ओके। एग्मैन, एक मैंने दिल्ली ख्वाहिशा, आप चाय वाला बन सकते हैं तो डॉक्टर भी तो बनिए ना थोड़ा सा। हम देखना चाहते हैं भी आप डॉक्टर में कैसे लगते हैं, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में। ओके, मान लीजिए मैं हूँ पेशेंट, सिद्धू साहब ये बनेंगे डॉक्टर। ये पेशेंट बैठा है, मैं पेशेंट हूँ भाई, पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे हाँ, सुन लिया। माय गॉड, हैं? खून, खून? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया जी। तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। खून ही बहेगा ना जी, गन्ने का जूस थोड़ी बहेगा। तो इतना काप क्यों रहा है? खून तो नहीं किया तूने? आप हर बात में कत्ल खून क्यों ले आते हैं जी? आदमी बुखार में भी तो कांप सकते हैं ना, बुखार भी। दया, ये बारिश में खून करके आया है। मेरे को लगा टॉन्सल चेक कर रहे हो आप मेरे। मैंने कोई खून नहीं किया जी। मुंह खोलो। कीड़ा है। ओके खोल दो। है कीड़ा ना? दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुंह में मुजरिम चिपके बैठा हुआ जी। पालक खाया? पालक खाया है? हाँ जी, खाया है। ओ, इसका मतलब पालक खा के अपने शरीर में आयरन बढ़ा रहे हो, लोहा, ताकि तुम खून कर सको। हाँ, मैं कर ही देता हूँ ये खून। फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, तो सीजर नहीं पड़ा, मैं अपने असिस्टेंट को मार ही देता हूँ जी, इफ यू फील बेटर। अभी सीआईडी टीम ने डॉक्टर का रोल भी प्ले कर दिया, चाय वाले का भी। हम अब आपको CID बन के दिखाते हैं। चंदू इधर आ, हम CID बनेंगे। हाँ, कोई रिस्पेक्टेड जॉब कराता हूँ, आ जा। वेरी गुड, वेरी नाइस, ये मेरा बचपन से खाब अभी। हाँ जी, तुम्हें और डॉक्टर को। हाँ जी, मैं भी साथ में हूँ, हम तीनों CID वाले हैं। ठीक है, मैं ACP हूँ। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम ACP बनोगे? अरे आप भी, आप अभिजीत है और तुम दया हो। फिर ठीक है। ये दया सुकड़ कैसे गया एकदम से? मैं भी यही देख रहा था कि मेरे को दरवाजा तोड़ना पड़ा, मैं कैसे तोड़ूंगा? नहीं, नहीं, ये नाम नहीं दया, मैंने कहा मुझे दया आ रही है इस पे। उस हिसाब से कोई है यहाँ पे लाश की एक्टिंग कौन कर सकता है हमारे यहाँ पे? बहुत इसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। ओके, तो आप लाश की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? सोना के सोना है। हाँ, वो ये भी घर जाके क्या कहेगा ना, तो कपिल शर्मा शो में लाश बन के आया हूँ। लाश को माइक की क्या जरूरत है यार, छोड़ दे। अब सिंगर की लाश थोड़ी बनना है, ऐसे नॉर्मल लाश। बैठो बैठो। 1 2 3 डेड। हाँ दया, क्या खबर है? मुझे लगता है ये मर चुका है। मेरे को लगता है ये स्वर्ग सिधार गया है। मुझे लगता है इसकी जान निकल चुकी है। नहीं, इसके प्राण पखेरु उड़े हैं।
लेकिन मुझे लगता है अब ये नहीं उठेगा, क्योंकि ये मर गया है ना। पर मुझे लग रहा है ये बात भी नहीं कर सकता। अच्छा इसको मारो, इसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये तो लाश है। नहीं नहीं, मुझे लगता है ऐसे भी नहीं कर सकता ये, ऐसे भी नहीं कर सकता ये। क्या लगता है दया तुम्हें इसकी, ये तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये मर चुका है। ये मर चुका है मुझे लगता है। एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते, क्यों भाई तुम मर चुके हो। मुझे लगता है इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है कि इसका कत्ल कैसे हुआ। कौन? ये खुद। एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हमें इसका मोबाइल चेक करना चाहिए। तो लो मोबाइल चेक करके क्या फायदा, इसका बैलेंस बचा होगा तो निकाल लेंगे ना। ये लाश काफी खुशनुमा है, मर के भी स्माइल कर रहा है। ए, टीवी के आने के चक्कर में लाश बनना चल खराब। हम तो पागल ऐसे टाइम पास कर रहे थे। शुक्रिया। अब मैंने सीआईडी देख लिया, अब मैं जाके सोता हूँ। सर आपके फैंस यहाँ पे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके शो के बारे में कुछ सवाल है उनके मन में, जिज्ञासा है। तो कौन है मेरे दोस्त जो पूछना चाहते हैं कुछ? जी भाई साहब। वाह चिट्टा का आदमी। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सर आपका शो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और मैं भी सीआईडी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सर आपकी जैसी पर्सनैलिटी, आप जाके कत्ल करें कहीं। देखने से लगता है सर ऐसा। तो क्या करते हैं अभी आप? मेरा सर रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट है सर। क्या करते हैं, रेलगाड़ी बनाते? नहीं सर, ये जो स्टेशन पे बूट पॉलिश करते हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ सर। जो रेलवे में लड़के जो शू पॉलिश करते हैं? यस सर, ये सोशल वर्क है सर हमारी तरफ से। चलो यार अच्छा काम कर रहे हो, खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी क्या नाम है आपका ब्रदर? हाँ कार्तिक गेरिया। कार्तिक, मेरा सवाल सर से था। कौन से सर से था? मैडम तो कोई भी नहीं वहाँ पे। तीनों सर से। ओके। मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ। और कोई काम नहीं आपको? नहीं। ओके। एक आध घंटे देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें 111 मिनट आप सिंगल शूट में पूरा शूटिंग कम्प्लीट किए थे, तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ट्रू सर? 111 मिनट सिंगल शॉट, मतलब कोई कट नहीं, सिंगल शॉट में। तो ये आपने रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था कि कैसे? रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था। क्रिमिनल को 6 मिनट में भी पकड़ सकते थे ना सर। ये बात सही है। लेकिन बात ये है ना कि बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, उसमें से एक को ढूंढना था, उसमें उतना टाइम लग गया। ओके कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू उसके लिए आपको। ये 2006 की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नमूद है। मतलब कैमरा वन सिंगल शॉट करता जा रहा है, चार फोर स्टोरी। क्या बात है। होटल जो है लोनावला में वो आधा था और कंप्लीट डिजाइन 6 दिन के रिहर्सल हम सब ने की थी। वाह और बिग थिंग, मतलब 111 मिनट लगातार। 111 मिनट जी। और कोई मेरे दोस्त? अरे हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू कपिल? वेरी गुड सर। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपकी सीरियल में, आई एम अ बिग फैन ऑफ सीआईडी, मैं रोज देखती हूँ, और उसमें जो है लड़कियाँ वो रिप्लेस की जाती है थोड़े सीन्स के बाद, थोड़े एपिसोड्स के बाद, तो इसके पीछे क्या राज है सर, क्यों वो चेंज हो जाती है, ऐसा जुर्म क्यों होता है लड़कियों पे? जुर्म क्यों होता है? जुल्म? ये गलत फहमी है, कोई रिप्लेस नहीं होता, वो अपने आप छोड़कर दूसरे इसमें चली जाती है। तो why only girls sir? Yeah, girls do go, I don't know why, but boys don't go. तो आप काम करना चाहते हैं सीआईडी में? I will love to do that. और आप वैसे सीआईडी में हो तो कातिल खुद ही आ जाए, नहीं हमने किया जी, पकड़ लो हमें, डाल दो जेल में। कपिल I'm your big fan. वैसे आप क्या करती हैं? I'm into modeling line. You're in modeling line? Yes. अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो रैंप पे वॉक करते हैं, ये लड़कियां इतने गुस्से में क्यों होती हैं? मैंने एक देखा, मैं शो में गया पाजी, एक लड़की आई दुबली पतली सी, मुझे लगता था इतना चल के उसके बाद ये गिरेगी, जान ही नहीं, घुटने तीखे उसके कि अपनी उसका गाउन फट जाए, इतना तीखा घुटना, और यूं आई एटीट्यूड के साथ आया करके ना ऐसे,
छोटे छोटे कपड़े पहनने. मैंने कहा मेरे को क्या देख रही, मैंने पहनवाए हैं तेरे को इतने कपड़े. वो और कोई मेरे दोस्त जी, जैकेट थोड़ी छोटी नहीं पहन ली. थैंक यू. हेलो सर, मेरा सवाल दया सर जी से है. जी प्लीज. सर सीआईडी में बहुत देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. और मसाला क्या वर्ड है सर. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा जब भी मैं देखता हूँ तो आप सिर्फ दरवाजे तोड़ते हो, तो क्या आपको दरवाजे तोड़ने के ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली दरवाजा तोड़ने के ही पैसे मिलते हैं, बाकी तो पैसे देते ही नहीं. ओके ओके सर, आपका जो दरवाजा तोड़ने का ट्रिक है, क्या वो ट्रिक आप मुझे और कपिल जी को सिखा सकते हैं? भाई अपना घुटरा ये तोड़वाना बैठना शोल्डर, उनकी बॉडी देखो, वो तोड़ सकते हैं. मेरे को सीखना ही नहीं. मुझे सीखना है. आपको सीखना है. अभी आप दरवाजे मंगाएंगे है ना, क्रिएटिव पीपल, और फिर दरवाजे तोड़ेंगे और पब्लिक को लगेगा कि उसने डिमांड की और सडनली दरवाजे बन गए, और उसमें बेवकूफ लगेगा मैं. तो आपको दरवाजा तोड़ना सीखना है? जी हाँ. नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, ये खुद ही टूटा हुआ है, देख तो सही. भाई रोटी तोड़ना सीखो, कोई और काम सीखो, कहाँ दरवाजे तोड़ने हैं. आपका अपना मुंह चाबी जैसा, कहाँ दरवाजे तोड़ने हैं. आ जाओ आ जाओ, अरे दरवाजा तोड़ना सिखाए. आ जाओ, इसके साथ अटैच है कि अलग है? नहीं नहीं, इसकी वास्केट चीखे मार रही है, मेरा शरीर बदलो, इसकी इतनी फिटिंग करवा लो. हाँ पता कि बीच में एक आदमी और डाल सकते हो आप, बहुत बड़ी है ये. कहाँ से आए ब्रदर आप? भाईंदर. भाईंदर से, क्या करते हो आप? सर मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. चलो बहुत अच्छा ब्रदर, आप हमारी शुभकामनाएं हैं, आप एक्टर बने जरूर. तो दिखाना यार, कोई एक्टिंग दिखा ना, कुछ करके दिखाओ यार. सर मैं मिमिक्री थोड़ी बहुत करता हूं. सर को पसंद आए तो आप पीछे कहाँ जा रहे हो, पेड़ के पीछे? अभी सर बैठे हुए हैं, अगर आपने अच्छा किया तो आपको अपने शो में भी ले सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिमिनल बन सकते हैं. पान खा के अमिताभ बच्चन कैसे बोलते हैं? पान मंगवाएं अभी ना, उसकी जरूरत ना, एक्टर उतना तो करना पड़ेगा. मैं पान निकाल लेता हूँ. देखा कहाँ रखा है भाई? अरे भाइयों कैसे हैं आप सभी यार, रुके एक मिनट. हाँ सफाई ब्रांड के एम्बेसडर के सामने थूक रहे हैं. ऐसी 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 कोई बात नहीं है बादशाह, आप सभी लोग जो है जानते हैं, हम जहाँ पे पान थूके हैं ना, पैकअप के बाद हम ही साफ करेंगे, चिंता ना करवाएं. हाँ तो कहना ये चाहते हैं कि जो है बच्चन साहब पान जब खाते हैं तो दुनिया देखती है, वैसे दुनिया तो वैसे भी देखती है, पान खाएं या कुछ भी खाएं, बच्चन साहब हैं. थैंक यू भाई. हेलो बैठ जाओ, थक गए होंगे ना? ना, ना बहुत भारी भरकम आवाज निकाली है. दरवाजे कहाँ हैं? ओहो वैसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है ना. यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ. हाँ? अब ये दरवाजा मैं तोड़ूंगा, दिखाऊंगा, और आपने बाद में ये ट्राई कर लेना, ठीक है? दरवाजा हर जगह एक ही होता है. हाँ? ये चूंकि बाहर से इसका ये लॉक है करके लात जो है सेंटर पे मारना, ठीक है? ओके अगर आपको बाहर से खाली उसका की होल दिखता है और लॉक अंदर से हो तो शायद आपको यहाँ पे मारना होगा. बट चूंकि अभी यहाँ पर ये बाहर है तो हम इसको ऐसे मारते हैं. ओके वाओ, बढ़िया. अब आप ट्राई करो. यस सर. हेलो हेलो, एक मिनट. थैंक यू जी, माय सेल्फ डॉक्टर मैं शुरू की लाती, बड़ी देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था. थैंक यू सो मच. कपिल जी हैं? आपके लिए भी एक दरवाजा है. मैं कुंडी लगी क्यों तोड़ना भाई? दरवाजा तोड़ना सीखना है. ओ मुजरिमों को ढूंढने के लिए तोड़ते तो मैं खास से पता नहीं कौन से अजीब अजीब शौक लेके आए, रात को 12 बजे दरवाजे तोड़ रहा था. सो एक बार सीआईटी की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और आप लोग
कई सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं, पूरे देश को एंटरटेन करते आ रहे हैं, ऐसे ही आने वाले कई सालों तक आप ऐसे एंटरटेन करते रहे, थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले सर एक सेल्फी हो जाए आप सबके साथ, आइए सर इस तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे मजा किया होगा। बहुत खुशी मिली यहाँ आकर, बहुत मजे लूटे। थैंक यू सर। और हम सब की तरफ से, हम ना सिर्फ हम तीनों की तरफ से, पूरी सीआईडी टीम की तरफ से तुम्हारे शो के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो आप सब लोग भी अपने अपने घरों में हंसीए, मुस्कुराइए, गुदगुदाइए, और इतनी सी इल्तिजा है शनिवार और रविवार को 9 बजे यहां जरूर आइए। देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.